ये ब्लू क्लॉक के बारे में है कि इसके लिए एक क्रिस्टल यूज होता है। जैसे 50-10 में आप देखोगे कि ब्लू क्लॉक लगी हुई है, 14 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनेगी, अब पूरे की पूरी पीसीएच के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ग्रीन क्लॉक में क्या है, आरटीसी आउट करती है, फिर उसके आरटीसी वीसीसी यानी वोल्टेज आउट करती है, उसके बाद 25 मेगाहर्ट्ज आउट करती है, 27 मेगाहर्ट्ज आउट करती है, 32 किलोहर्ट्ज आउट करती है। ये तो था जो एक्सटर्नल हमें क्लॉक मिलती है उसके बारे में। पढ़ाना बायोस है, लेकिन मैं सबसे पहले ये क्लियर करा दूं कि बायोस काम क्यों करेगी या कैसे करेगी, ठीक है। बायोस निकालने से पहले आपको किसी भी हालत में ये कंफर्म करना है कि बोर्ड में पहले क्लॉक बनी है कि नहीं। जब तक क्लॉक नहीं बनेगी आपकी बायोस काम नहीं करेगी, इसलिए बायोस करिए ना करिए कोई फायदा नहीं है। तो पीसीएच की क्लॉक कैसी होती है, पीसीएच की क्लॉक, इसकी एक इनपुट सोर्स होती है, एक वन इनपुट सोर्स होती है, ठीक है। ये कितनी होती है, 25 मेगाहर्ट्ज की। और अगर एसओसी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी ये तो हो गई आपकी जो नॉर्मल पीसीएच हो गई, जो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन की होगी, इसमें इनपुट सोर्स जो होगा ये 24 मेगाहर्ट्ज का होगा। क्लियर है बात? बात क्लियर है? हाँ सर। यानी ये दो वो क्लॉक है जो आपको पूरे बोर्ड की क्लॉकिंग को एक्टिवेट करता है। आपके बोर्ड में अभी तो 32 किलोहर्ट्ज ही बन रही थी आरटीसी के पास, वो किलोहर्ट्ज थी। आरटीसी के पास जो यूज होती है, यहां कितना होता है, 32.768 की किलोहर्ट्ज। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, 25 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। आकाश, जो तुमने बोर्ड भेजा था उसमें एक ये वाली भी क्लॉक निकली हुई थी, यानी वो क्रिस्टल जो है इस पर भी काम कर रखा था किसी ने, तो ये 24 मेगाहर्ट्ज है। हाँ, ये एक इनपुट सोर्स है जिसके बारे में मैंने बताया था कि नो डिस्प्ले केस रहेगा, इससे डेड नहीं होता है। तो एसओसी स्ट्रक्चर में 24 मेगाहर्ट्ज और पीसीएच वाले स्ट्रक्चर में 25 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल, आपको दोनों क्रिस्टल आपको मिलेगी, यानी 32 तो रहेगी। ये तो पहले, सबसे पहले पीसीएच को एक्टिवेट करने के लिए तो यही चाहिए। फिर उसके बाद जब हम ऑन करते हैं तो जो आपकी मेन बायस होती है, जिसको आप प्रोग्राम करते हैं बार बार नो डिस्प्ले केस में, इसमें इसको एक्टिवेट होने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि इनपुट सोर्स 25 मेगाहर्ट्ज ये जाएगा आपको पीसीएच के अंदर। ऑट क्या होगा, ये तो इनपुट था, ऑट क्या क्या होगा, 100 मेगाहर्ट्ज दस एक सौ मेगा हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आउट होगी। 10 100 मतलब यानी 10 अलग अलग, एक 120 अभी आ जाएगा समझ, सॉरी एम है, दस सॉरी 1 MHz आउटपुट है, 433 मेगाहर्ट्ज, 1 24 मेगाहर्ट्ज, 1 48 मेगाहर्ट्ज। तो 25 मेगाहर्ट्ज इनपुट आएगी तो फिर वो देखो क्या है, वो तुम्हारा जब बाइक होती है ना, बाइक में किक देखा, किक बाइक का किक है ये, एक बार स्टार्ट हो गई गाड़ी तो उसके बाद जितना यूज करना, पिकअप जितना दे रहे हो उसको दे सकता है। वो क्या है कि पीसीएच के अंदर क्लॉक लगी हुई है इनबिल्ट, पीसीएच के अंदर एक क्लॉक लगी हुई है, तो क्लॉक एक नहीं है, क्लॉक सेक्शन जब देखोगे तो बहुत सारी क्लॉक है। तो क्लॉक कितनी है, 10 100 मेगाहर्ट्ज की अलग अलग क्लॉक बना सकता है, वो ताकत है उसकी। जैसे तुम देखोगे कि जो पीसीएच होता है तुम्हारा, पीसीएच के अंदर हार्ड ड्राइव चलने की ताकत कितनी होती है, मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं यहाँ पर,
हार्ड ड्राइव, 10 हार्ड ड्राइव चलने की कैपेसिटी होती है, 10 होता है कहीं? नहीं होता ना, यूज एक ही होता है ना, 100 मेगाहर्ट्ज क्या एक यूज करेगा एसएम बस डेटा जहां पर यूज होगी, फिर एक कहीं पर और यूज कर सकता है जहां पर आई स्क्वायर सी का लॉजिक यूज हुआ होगा, तो दो जगह यूज किया जा सकता है उसको। उसकी कैपेसिटी ये कि 10 अलग अलग 100 मेगाहर्ट्ज निकाल सकती है वो, बात समझ आ रही है? उसकी कैपेसिटी बता रहा हूं। अब जैसे तुम्हारा देखो एलपीसी से जब वो बात करेगी पीसीएच, तो 33 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होती है, पहले ही बताया था। लो पिन कॉन्ट से जब वो कम्युनिकेट होती है पीसीआई, पीसीआई और एलपीसी की कम्युनिकेशन 33 मेगाहर्ट्ज होती है, जिसको हम लोगों ने दुगना किया था तो कितनी बन रही थी, 66, 66 बन रही थी पीसीआई 2 में। तो वो 33 कहां से था, 33 पीसीएच की थी, जो पीसीएच वाला एरिया है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, 33, किसके अकॉर्डिंग, पूरी क्लॉक के अकॉर्डिंग, पूरी ये जो क्लॉक थी हमारी उसमें से एक उठाया है, यानी पीसीएच के अंदर इतनी सारी रेगुलेटर लगी हुई है, ऑक्सीलेटर लगी हुई है, आ गया ये, पीसीएच के अंदर 4 ऑक्सीलेटर है 33 मेगाहर्ट्ज का, जिसमें से एक एक यूज करेगा, दो पड़ेगा जरूरत तो दो यूज करेगा, किसी किसी ऐसा भी हो सकता है आने वाले दिन में अगर 2 कंट्रोलर आ जाए तो पीसीएस थोड़ी चेंज करेगा तुरंत तुरंत, पीसीएस तो वही रहेगी, तो इस कंट्रोलर को भी 33 मेगाहर्ट्ज दे देगा, दूसरे कंट्रोलर को भी दे देगा 33 मेगाहर्ट्ज, 4 कंट्रोलर यूज होगी तो चारों को दे देगा, पांचवी अगर चाहिए होगी तो फिर नई पीसीएच डिजाइन करनी पड़ेगी उसको, इसलिए वो मैक्सिमम बना के रखा है कि इतना इतना दे सकता है वो। 24 मेगाहर्ट्ज आपको साउंड चलाने के लिए होता है और 48 मेगाहर्ट्ज यूएसबी चलाने के लिए होता है, बात क्लियर है? आकाश तो सर ये 100 मेगा 120 मेगाहर्ट्ज तो ये तो सीआरओ पे चेक नहीं होगा? नहीं हो जाएगा, और सीआरओ में डिवीजन होता है ना, डिवीजन चेक करके हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ सरकारी है, सरकारी है, सरकारी है। हेलो, हाँ हेलो, सरकारी है, सरकारी है, थोड़ा सा ठीक है तो हो जाएगा, चेक हो जाएगा। बात क्या है कि मेरे पास घर में 40 मेगाहर्ट्ज का सीआरओ, इसे मैं 100 मेगाहर्ट्ज भी चेक करता हूँ, हो जाएगा, क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं आएगी लेकिन हो जाएगा चेक। वो डिवीजन, उसको माइक्रो डिवीजन में डाल, देखो उसके अंदर तो ऑप्शन है ना, तुम कैसा ऑप्शन चाहते हो तो हर ऑप्शन में हो जाता है। हाँ क्लैरिटी जो वेब फॉर्म की होगी उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन दिखा देगा, लिखा हुआ तो आ जाएगा 100 मेगाहर्ट्ज। चलो तो अभी हमने देखा कि भाई सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बायोस करने से पहले, कि 25 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल आपकी काम कर रही है कि नहीं, आउटपुट पर जो पीसीएच के पास लगी होगी वहां पर आपको चेक करना है कि 25 मेगाहर्ट्ज सही है कि नहीं, बात क्लियर है? राजू जी बायोस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपकी पीसीएच की जो 25 मेगाहर्ट्ज है वो एक्टिवेट हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर वो एक्टिवेट नहीं होगी तो पीसीएच की क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी, पीसीएच की क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगी तो डेटा यहां तक बायोस पर पहुंचेगा ही नहीं, बेचारी चलेगी कैसे, ठीक भी होगी तो नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या क्लियर करते हैं कि हमारी 25 काम कर रही है कि नहीं, जब 25 काम कर जाएगी उसके बाद हम चेक करते हैं कि अब हमारी बायस एक्टिव है या नहीं है। तो बायस को हम कैसे कंफर्म करते हैं लगे लगे कि वो सही है या खराब है, अब इस बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आकाश, यहां पर कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, बायस कौन सी है, मेन बायस बता रहा हूं, मेन बायस समझ रहे हो ना, पीसीएच की जो बायस होती है। ये है
सीएस, क्या नाम है? सीएस। दूसरा है डीओ, डेटा आउटपुट, डब्ल्यूपी, ग्राउंड। पांच नंबर है डीआई, डेटा इनपुट, क्लॉक। ये है होल्ड, रीसेट, आउटपुट, सॉरी आयो 3, और ये है वीसीसी। ठीक है, अब ठीक सुनो कि अब हम कैसे कंफर्म करते हैं कि सबसे पहले जो हमने बायस लगाई है, जैसे मान लीजिए एक 20 बॉन्ड की है, वेन बॉन्ड की एक आईसी है 25Q64FV, ये आईसी है, तुमने प्रोग्राम करी और लगाई बोर्ड में। जैसे ही तुमने प्लग इन लग किया, प्लग इन करते वक्त सीएस यानी कि चिप सेलेक्ट, चिप सेलेक्ट का कंडीशन क्या होगा? हाई होगी, लो हो जाएगी, फिर हाई होगी, हाई रहेगी। कब? जैसे ही हम प्लग इन करते हैं, यानी तुम अगर पावर सप्लाई को, पावर बटन ऑन करते हो, बस सिर्फ ऑन के दरमियान में यहां पर सीआरओ रखो, सीआरओ को प्रॉब, और उसके बाद तुम चेक करोगे, ये एक बार हाई होगी, लो होगी, हाई हो रहेगी। अगर ये हाई नहीं हुई, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि बायस के अंदर कितनी पार्ट्स होती है,